11, तो आज हम जो है क्लास 11 का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ द लेंथ। अब हमारे पास जो लेंथ, यदि हमारे पास कोई छोटी सी लेंथ है तो उसको हम कैसे नापते हैं? तो उसको हम किसी डायरेक्ट मेथड से नहीं नाप सकते, तो उसको हम मेजर करते हैं बाय इनडायरेक्ट मेथड। तो आज हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ द स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है ना। इसमें हमारे पास दो मेथड होते हैं, पहला क्या होता है अवोगाद्रो हाइपोथेसिस और दूसरा क्या होता है मॉलिकुलर लेयर मेथड्स। तो दोनों के अंदर क्या है, अगर हमारे पास किसी का जो एट डिस्टेंस है वो 10^-10^10, मतलब बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो उस कंडीशन में हम कैसे नापते हैं उसको विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट मेथड। तो पहला क्या होता है हमारे पास में एवोगाड्रो मेथड। तो देखिए पहला क्या होता है एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। तो ये क्या मानती है, हमारे पास यदि किसी का जो साइज है वो 10^-10 मीटर के आसपास है, इतना छोटा है, तो उस कंडीशन में मानते हैं कि हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम है वो और जो इसके अंदर एटम्स हैं उनका जो वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो हम क्या माने कि हमारे पास कोई स्फेरिकल बॉडी है जिसका वॉल्यूम क्या है, वी है, और उसके अंदर क्या है बहुत सारे एटम्स, तो एन एटम्स उसके अंदर क्या है लगे हुए हैं, और हर एटम का अपना क्या होता है मास होता है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन ए सर्टेन मास ऑफ ए सब्सटेंस इज 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द मास ऑफ द सब्सटेंस, मीन्स 2/3 होता है ऑफ द टोटल मास ऑफ द वॉल्यूम, टोटल मास ऑफ द वॉल्यूम। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास V है एक एटम का वो कितना होता है 2/3 ऑफ द टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। अब हमें देखना है कि इस वॉल्यूम में कितने मास होते हैं। तो अगर आप देखो, आप जब भी आप मुंह से क्वेश्चन निकालते हैं तो वहां पे क्या होता है दो फॉर्मूले आपके यहां देने होते हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या होता है मोस इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, और ये किसमें होता है हमेशा ग्राम में, ये किसमें होता है ग्राम में। और दूसरा क्या होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मोस इनटू एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोस इनटू एवोगाड्रो नंबर। अब अगर हम कह रहे हैं कि मानो इफ फोर वन ग्राम हमारे पास क्या है, अगर एक ग्राम एटम है, ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि नंबर ऑफ एटम्स इन वन ग्राम, तो एन क्या हो जाएगा, सब क्या देंगे 1 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और इनटू क्या हो जाएगा आपके पास एन ए, इनटू क्या हो जाएगा एन ए, ठीक है नहीं। तो एन ए अपॉन एम, अगर हम कह रहे हैं कि ऐसे हमारे पास 1 ग्राम ना क्या होता एम ग्राम होता, तो 4 एम ग्राम, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे हमारे पास एम एन ए अपॉन एम। तो यहां पे m क्या है मोलार मास, और स्मॉल m क्या है मास इन ग्राम्स, मास इन ग्राम्स, ठीक है ना। अब हमें क्या देखना है कि वॉल्यूम, तो हम कह रहे हैं कि जो ये क्या है इतने मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या हो जाए, तो v को क्या कह देंगे n इंटू वी, तो v का n कितना है हमारे पास m n a, m n a अपॉन m, और वॉल्यूम हम क्या मानेंगे हमारे पास स्फेरिकल बॉडी का 4/3 πr, और ये क्या हो जाएगा क्यू। तो ये क्या हो गया हमारे पास एम ग्राम मास के एटम्स का मास, और उसका क्या हो गया हमारे पास में वॉल्यूम। अब देखो भाई स्टेटमेंट हमारे पास क्या होता है एन इंटू बी, तो ये क्या होता है 2/3, जो हमारा वॉल्यूम है वो क्या होता है 2/3 ऑफ द टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास के एम एन ए अपॉन मोलर मास इंटू 4/3 πr³ इक्वल टू 2/3 इंटू टोटल वॉल्यूम, इंटू टोटल वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम को जो है हमें पता नहीं होता, जो हमें वॉल्यूम हमें निकालना होता है, तो वॉल्यूम को आप रिप्लेस कर लेंगे डेंसिटी से, क्योंकि देखो मास क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी, क्योंकि मास क्या है टोटल वॉल्यूम, जो एटम्स को मिलाने के बाद जो मास बनेगा वही क्या होगा मास ऑफ द स्फीयर, ठीक है ना। तो हम यहां कह सकते हैं जो हमारे पास क्या बन जाएगा फॉर्मूला, इसको हम कह सकते हैं कि एम स्मॉल एम एन ए अपॉन मोलर मास इनटू 4/3 πr³ इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 स्मॉल एम अपॉन डी, स्मॉल एम अपॉन डी। तो इससे क्या फायदा हो जाएगा, स्मॉल एम क्या हो जाएगा बिल कैंसिल आउट, स्मॉल एम क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, स्क्रीन शॉट लीजिए आप इसका, ओके।
अब हमें क्या निकाल सकते हैं यहां से, हम क्या निकाल पाएंगे इसका आर क्यू, मतलब हमें क्या निकालना है इसका साइज। तो साइज क्या हो जाएगा, देखो आपको दिख रहा है कि हमारे पास एम कट जाएगा, ठीक है ना, और देखो यहाँ पे क्या है थ्री भी कट जाएगा, पाई बच जाएगा हमारे पास, और ये क्या बचेगा टू, तो यहाँ पे क्या बचेगा टू, तो क्या कह सकते हैं इसको, यहाँ पे क्या आ जाएगा टू बड़ा एम, ठीक है, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास टू और इंटू पाई, टू इंटू पाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एन ए, टू पाई इंटू एन ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगी इसकी डेंसिटी डी, डेंसिटी डी, तो आर क्या आ जाएगा यहाँ पे एन, तो यहां से आर कितना आ सकता है हमारे पास, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी एम अपॉन टू पाई एन ए इंटू डी, और इसका पावर क्या है वन अपॉन थ्री रूट क्यू। तो एम क्या है यहाँ पे मोलर मास, और एन ए क्या है एवोगैड्रो नंबर, और डी क्या है डेंसिटी, डी क्या है डेंसिटी ऑफ द वॉल्यूम, जिस वॉल्यूम का हम क्या निकाले डेंसिटी, और आर क्या है रेडियस। अब रेडियस आने से हमें क्या आ जाएगा उसका साइज, मीन्स उसकी डिस्टेंस कितनी बड़ी है, ठीक है। तो इससे हम क्या निकाल पाएंगे किसी भी छोटे से एटम्स की, किसी भी छोटे से मॉलिक्यूल की रेडियस, मीन्स साइज ऑफ द एटम। तो ये जो हमारा मेथड है किसके लिए है, इनडायरेक्ट मेथड फॉर द मेजरिंग ऑफ ए स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए हमारे पास जो इसका नेक्स्ट मेथड है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर लेयर मेथड। तो ये मेथड हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहां पे हमारे पास कंपेरेटिवली थोड़ा सा बड़ा साइज होता है, तो वो हम यूज करते हैं 10^-8 मीटर के लिए, और ये हम यूज करेंगे 10^-, तो इसका एग्जाम्पल आता है ओलिक एसिड। क्या आता है ओलिक एसिड। अब इस मेथड में हमें क्या है थोड़ा सा प्रिपरेशन करना होता है, तो हम क्या प्रिपेयर करते हैं, और देखो इसको प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो वन मॉलिक्यूलर लेयर ऑफ एसिड मीन्स ओलिक एसिड। अब इसको हम कहां पर सरफेस बनाते हैं, इसको ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो फॉर दिस क्या करेंगे इसके लिए, 1 cc वॉल्यूम, 1 cm³ ऑफ द वॉल्यूम इज डिजोल्व इन 20 cc ऑफ द एल्कोहल, उसमें डिजोल्व करते हैं, क्योंकि जो वाटर के ऊपर एल्कोहल अगर हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेते हैं तो वो लेयर बनाता है, ठीक है ना। क्या करेंगे इसको, देन डिडिजोल्व, इसको दोबारा से डिजोल्व करते हैं ऑफ 1 cc, किसी सोल्यूशन का 1 cc सोल्यूशन, अब क्या डालेंगे इसको 20 cc ऑफ द एल्कोहल, तो 1 cc उसका 20 सोल्यूशन क्या है इसका है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा इस तरह, तो वी कैन ऑब्टेन 1/400, तो पहले एक बार करा फिर दोबारा करा, तो 1/400 ऑफ द ओलिक सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या बहुत ही क्या हो जाएगा, छोटा सी लेयर बनेगी जिसमें क्या होगा हमारे पास 1/400 cc ऑफ द वॉल्यूम, तो ये क्या बनेगी उसकी कंसेंट्रेशन। अब देखो अब क्या करते हैं इसको सॉल्यूशन बनाते हैं, तो क्या करते हैं नाउ पोर एंड ड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ ए वाटर, और क्या करते हैं अप टू ए फ्लैट ट्रे, हाँ क्या बहुत ही क्या बने बहुत ही माइन्यूट लेयर बनती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि लेट दिस कवर्स 1 cm² ऑफ द एरिया एंड टी इज द थिकनेस, तो वो टी थिकनेस क्या करती है कवर करती है। अब हम कह सकते हैं कि मानिए कितना वॉल्यूम कवर करती है, तो कह सकते हैं कि लेट वी इज द वॉल्यूम, दे इज द वॉल्यूम दैट इज कवर्ड बाय द लेयर, कवर्ड बाय द लेयर। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास लेयर्स के अंदर कितनी ड्रॉप्स है, तो क्या कह सकते हैं कि ड्रॉप्स, नंबर ऑफ ड्रॉप्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ ड्रॉप्स, तो नंबर ऑफ ड्रॉप्स क्या हो सकती है n into v। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास वॉल्यूम कवर हो रहा है वो n v का ही वैसे हो रहा है, जो वॉल्यूम कवर हो रहा है मीन्स दैट्स वाई ड्यू टू n v। तो उस कंडीशन कह सकते हैं कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को हम कह देंगे एरिया इंटू थिकनेस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास एन वी, और ये हमारे पास कितनी का सर्जेगा अपॉन 400। तो हम यहां से क्या निकालेंगे टी, तो टी क्या हो जाएगा एन वी अपॉन ए इंटू 400 इंटू 400, ठीक है। अब देखो यहां से हमारे पास जो क्या आएगी थिकनेस, मीन्स कितनी थिकनेस का है, तो ये किसमें आएगी हमारे पास सेंटीमीटर में। अब देखो हमारे पास जो थिकनेस आ रही है ये क्या आ रही है, दैट्स ड्यू टू वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की थिकनेस आ सकती है, इससे हम क्या निकाल पाएंगे बाकी सारे मॉलिक्यूल। अगर हम कह रहे हैं इसका अगर हम डायमीटर निकालेंगे, क्या निकालेंगे इसका डायमीटर, तो इस थिकनेस से हम क्या निकाल पाएंगे डायमीटर, और डायमीटर से क्या निकल जाएगा उसका साइज, क्या निकल जाता है उसका साइज, ठीक है। तो इस तरह हम क्या निकालते हैं किसी भी छोटी डिस्टेंस को जिसका साइज बहुत छोटा होता है, उसको दो मेथड से निकालते हैं। पहला क्या था हमारे पास एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, वो एक हाइपोथेसिस है, ठीक है। और ये क्या है थोड़ा सा हमारे पास प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है,
तो ये क्या है, हमारे पास एक प्रैक्टिकल मेथड है, तो इसको हम जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, हमारे पास कुछ प्रिपरेशन करनी होती है, बट इसके जो हमारे पास ड्रॉबैक है किसको निकाल सकते हैं, जिसका साइज क्या हो 10^-9 मीटर के आसपास, तो इस रेंज में हमारे पास ओलिक एसिड आता है, इसलिए हम जो है इसको बेस्ट निकाल पाते हैं किसके लिए, ओलिक एसिड के लिए, ठीक है। तो आई होप सो वीडियो आपको समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।